रूस के शहर बेलगोरोड में एक तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई है और पूरा डिपो आग के लपटों में घिर गया है। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने इस तेल डिपो पर हमला किया है। तारीख 1 अप्रैल, वक्त सुबह के 5:45। आसमान में आग का गुबार उठता है और फिर तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल जाता है। इस दौरान आसमान में बेहद ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है और उसके बाद तेल डिपो पर S-8 रॉकेट फायर होते दिखते हैं, जिसके बाद रूस का यह तेल डिपो आग का गोला बन गया। ये युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन के धमाकेदार पलटवार का विस्फोट है, जिसने बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर रूस के बेलगोरोड शहर में एक तेल डिपो को एयर स्ट्राइक में स्वाहा कर दिया। ये पहली बार हुआ है जब यूक्रेन ने रूस को उसी के घर में घुसकर मारा है। जब रूसी फौजें कीव और चार्निहिव से पीछे हट रही थी, तभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी यूक्रेनियन मीडिया के थ्रू कि यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से फायर करके बेलोगोरद शहर में, जो कि रूस के अंदर पड़ता है, वहां एक एम्युनिशन डिपो को तबाह कर दिया। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की सीमा के अंदर जाके किसी डिपो को या किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया हो। अब इस बात का मैंने जिक्र जब किया इनके स्पोक्स पर्सन से यूक्रेन मिलिट्री के, तो उन्होंने ना तो इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया। उन्होंने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें इतना पुराना एम्यूनिशन है कि वो एम्यूनिशन अपने आप भी फट सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था और ये जो अटैक जो क्लेम किया था यूक्रेन फोर्सेज ने इनिशियली, वो सही नहीं था। अब तक यूक्रेन ने इस हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अगर ये सच है तो ये तीसरा मौका है जब यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने 25 फरवरी को लॉन्ग रेंज डोचका मिसाइल अटैक के जरिए रूस के रोस्तोव शहर में एक रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर उड़ा दिया था। वहीं रूस ने दावा किया है कि 30 मार्च को भी यूक्रेन ने बेलगोरोड शहर में ही एक रूसी तोपखाने पर मिसाइलें दागी थीं, जिसमें 4 रूसी सैनिक घायल भी हो गए थे। लेकिन रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेनी फौज ने पहली बार पलटवार किया है और तेल डिपो में उठती आग की लपटें इसकी गवाही दे रही हैं। इससे रूस बुरी तरह बौखला गया है और उसने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता से वॉकआउट करने की धमकी दे रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह हमला खुद रूस ने अंजाम दिया है और इसकी वजह भी है। रूस के एक निष्कासित राजनेता ने एक हफ्ते पहले ही दावा किया था कि रूस फॉल्स फ्लैग अटैक के तहत अपने शहरों पर फर्जी हमले कर सकता है। रूसी सिक्योरिटी सर्विस अपने वेपन फैक्ट्रीज पर हमले कर अपने नागरिकों को मार सकती है। इन फर्जी हमलों के जरिए रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने का बहाना बना सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था रशिया के द्वारा, जो बेलोगोरद में एम्यूनिशन डिपो में एक्सप्लोजन हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक कंट्री वो कार्रवाई करती है ये दिखाने के लिए कि दुश्मन ने ऐसा किया है, ताकि वो अपने फर्दर किसी एक्शन को जस्टिफाई कर सके दुश्मन के ऊपर हमला करके। देखिए, इसमें काफी पुराना एम्यूनिशन था इस डिपो में, ये कन्फर्म्ड है और ये संभावना भी है कि अपने आप फटा हो, लेकिन युद्ध में कुछ भी पॉसिबल है और हो सकता है रूस ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद किया हो और ब्लेम करे यूक्रेन को किसी ऐसे हमले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो किसी बड़े इलाके पर बड़ी मात्रा में प्लान कर रहा है। तो कुछ भी संभव है, लेकिन जो देखने में लगता है अभी कि ये एक एक्सीडेंट था, रूस ने भी ऐसा बोला है, तो इसकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की संभावना बहुत कम है। युद्ध में कयास लगाना कोई बड़ी बात नहीं। रूस के तेल डिपो पर हमला खुद रूस की कारस्तानी भी हो सकती है और यूक्रेन की हिमाकत, क्योंकि रूस बॉर्डर पर यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है और रूस के कब्जे से अपने इलाकों को वापस ले रहा है, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है और जेलेंस्की के इरादे बुलंद हो रहे हैं।
युद्ध के 37 दिन बाद रूस अब थकता हुआ दिख रहा है और यूक्रेन अब डिफेंसिव से अटैकिंग पोजीशन लेता दिख रहा है। लेकिन युद्ध का अंत होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन कोई बड़ा हमला भी प्लान कर सकते हैं।